पता चले कि आप तीसरी नहीं इंशाल्लाह चौथी बार हारने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, मेरा इतना अच्छे से इस्तेमाल किया। कैनलन और महबूबा जी का एक बहुत खास रिश्ता है, मैं आपको बताऊंगी, एक रूहानी रिश्ता है। मेरे पर नाना निजाम मुस्तफा साहब एक पीर थे, उनके यहाँ बहुत सारे मुरीद थे, एक थे हसन शाह साहब। तो महबूबा जी जब छोटी बच्ची थी वो यहाँ आती थी, क्योंकि लेडीज को आगे आने दीजिए, महबूबा जी कनलवन आती रहती थी जब वो बच्ची थी। और मुझे पता है आप लोगों के यहाँ बहुत पढ़ते हैं, मस्जिद की कुछ 30-40 दुकानें हैं जो रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिए हैं, उनसे हम इंशाल्लाह वापस की दुकानें लेके रखेंगे। बाकी चीजों का सवाल मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। मेरा नाम इल्तिजा मुफ्ती है, मैं महबूबा जी की छोटी बेटी हूँ और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की नवासी हूँ, और मैं ये इलेक्शन आपकी खिदमत करने के लिए लड़ रही हूँ। आप सबको पता है पिछले हालात में कनलवन में अगर कोई बाहर जमात है नौजवान है।
और रोटी कपड़ा मकान रिजिक से पहले इज्जत होती है कि नहीं? जो सच में दस्तार होता है, आप में से कितने बुजुर्गों ने सर पे टोपी रखी है, इंशाल्लाह आपकी सर की टोपी की हिफाजत मैं करूँगी। और मैं अपने आप को दोहरा रही हूँ, मैं बिजबिहारा की एमएलए ही नहीं, बिजबिहारा की बेटी, बिजबिहारा की बहन बन के आप लोगों की खिदमत इंशाल्लाह करूंगी। और महबूबा जी किसी शेर से कम नहीं, और शेर का बच्चा। तो मुझे यकीन है आप लोग मेरा साथ देंगे, आप मेरे साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं आप लोगों की ही हूँ। मुफ्ती खानदान को मुफ्ती खानदान आप लोगों ने बनाया, बिजबिहारा के लोगों ने बनाया। मैंने सियासतदानों को देखा है, पैसे वोट कमाना आसानी है लेकिन इज्जत और प्यार कमाना बहुत मुश्किल है। मुझे आपका वोट ही नहीं, मुझे आपकी इज्जत, मुझे आपका प्यार चाहिए। तो मैं करते वाया बॉयकॉट।